नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप यादव, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट। ये क्या सर्जरी होती है, कब इस सर्जरी की हमें आवश्यकता होती है और किन केसेस में इस सर्जरी के रिजल्ट्स बेहतर देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि किसी मरीज ने नी रिप्लेसमेंट कराया है या टोटल नी रिप्लेसमेंट कराया है। ये एक आजकल की टाइम में एक आम बात हो गई है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 50 साल से उम्र के बाद में ऑलमोस्ट 50-60% लोगों को नी पेन की समस्या रहती है और उस समस्या की वजह से वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि हमें हमारी जो रूटीन दिनचर्या होती है वो भी फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन केसेस में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि घुटने के कितने कंपार्टमेंट होते हैं और कौन से कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस पहले शुरू होता है। तो यदि मैं घुटने की बात करूँ तो घुटने में मुख्य रूप से 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। यदि आप देखेंगे इसको बीच में से यदि हम डिवाइड करें तो जो अंदरूनी हिस्सा है उसको हम मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम लेटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं और ये आगे जो हमारी पटेला बोन होती है इसको हम पटेलो फिमोरल जॉइंट बोलते हैं। तो मुख्य रूप से घुटना जो है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जब बात आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजनरेटिव आर्थराइटिस की, तो 90% ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम हमारे घुटने के अंदरूनी हिस्से से स्टार्ट होती है। अंदरूनी हिस्सा मतलब कि मीडियल कंपार्टमेंट। तो जब इस बीमारी की शुरुआत होती है तो वो एक मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में शुरुआत होती है और धीरे धीरे स्लोली यदि हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या उसकी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो वो बाकी कंपार्टमेंट यानी कि लेटरल कंपार्टमेंट और पटेलो फिमोरल जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो यदि इस समस्या को जो मीडियल कंपार्टमेंट से आपकी स्टार्ट हुई है हम उसको उसी टाइम पे उसको ट्रीट कर लें या उसको ठीक कर लें या उसका प्रॉपर इलाज ले लें तो हम अपने बाकी घुटने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है हमारा यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। अब जो मीडियल कंपार्टमेंट हमने बात करी, अंदरूनी हिस्सा है, वो ख़राब क्यों होता है? ऐसा हो कि ये ख़राब ही ना हो तो हमें सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो ख़राब होने का मुख्य कारण जो बताएंगे हम वो ये है कि एज रिलेटेड डिजनरेटिव चेंजेज आते हैं, यानी कि वियर एंड टीयर आपकी जो कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज की मैं बात करूँ तो घुटने की ऊपर एक हल्की लेयर होती है, परत होती है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इसके अंदर उम्र के हिसाब से वियर एंड टीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो वियर एंड टीयर जब आगे प्रोग्रेस करते हैं तो आपके नीचे की जो बोन है वो एक्सपोज हो जाती है और वो बोन जब एक्सपोज होती है तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। तो मुख्य कारण हो गया आपका कार्टिलेज में वियर एंड टीयर होना। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, उसमें यदि हम कारणों की बात करें तो घुटने के अंदर गद्दी होती है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। यदि आपकी यंग एज में मेनिस्कस की कोई इंजरी हुई है तो आपको मिडिल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी हम बात करें तो जो लिगामेंट्स होते हैं, यदि आपको यंग एज में कोई लिगामेंट इंजरी हुई है तो लिगामेंट इंजरी होने की वजह से जो घुटने की स्टेबिलिटी है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके वियर एंड टीयर प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरी बात यदि हम करें तो यदि आपका घुटने का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, यदि आपके घुटने का लोड जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट से ज़्यादा पास हो रहा है लेटरल कंपार्टमेंट के कंपैरिजन में, तो आपका जो अंदरूनी हिस्सा है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ओवरवेट, जो मोटापा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है और जो भी मोटे लोग होते हैं उनमें क्योंकि बॉडी वेट की वजह से मिडिल कंपार्टमेंट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है और उसकी वजह से आपको मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो कोई पुराना फ्रैक्चर, यदि आपके पैर में या थाई में कोई फ्रैक्चर हुआ हो तो उससे भी आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है और उस अलाइनमेंट गड़बड़ होने की वजह से मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ये हमने बात करी कि किन कारणों से मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब मान लीजिए कि आपको एक बार मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया तो उससे आपको घुटने के अंदरूनी हिस्से में दर्द की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। जब भी आप चलेंगे
तो हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको क्रेपिटस, यानी कि आपको एक साउंड फील होता है घुटने के अंदर। कई मरीज हमारे को आके कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे घुटने में कर कर की आवाज़ आती है, तो उस तरह का साउंड आपको फील होता है, एक पेन आपको रहता है। उसके अलावा स्टिफनेस आ जाती है, टाइम के साथ घुटने में जकड़न रहना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्य समस्याएं हैं जो मरीज फील करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन का ओपिनियन लेना चाहिए। और यदि आपको मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यदि तीन हिस्सों में से सिर्फ आपका अंदरूनी हिस्सा ही खराब हुआ है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है, यदि आपको मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से रिलीफ नहीं मिल रहा है, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा मेडिसिन और फिजियोथेरेपी ही होता है, यदि उससे अपने को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। और वो सर्जरी जिसमें हमें पूरा घुटना बदलने की ज़रूरत नहीं होती, वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट। क्योंकि जब आपके घुटने के दो हिस्से, बाहर वाला हिस्सा और पटेलोफेमोरल जॉइंट जब आपके ठीक हैं, तो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यदि आपका मीडियल कंपार्टमेंट खराब हुआ है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, तो उसमें हम मीडियल कंपार्टमेंट को ही रिप्लेस और रिसरफेस करते हैं, जिसको हम यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे इस सर्जरी के फायदे क्या हैं, क्यों हमें ये सर्जरी ज़्यादा अच्छी लगती है, या क्यों ये इस सर्जरी से हमें मरीज को हम ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया कि पहले मीडियल कंपार्टमेंट में डिजीज आती है, फिर वो धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस करके लेटरल कंपार्टमेंट और पटेलोफेमोरल में प्रोग्रेस करती है। तो यदि हमने उस डिजीज़ को वहीं पे कंट्रोल कर लिया, तो उस डिजीज़ का प्रोग्रेशन आपका रुक जाता है। उसके बाद आपका लेटरल कंपार्टमेंट और पटेलोफेमोरल जॉइंट, यदि आप उसको ठीक कर लेते हैं, तो वो भी ठीक हालत में रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये एक छोटा ऑपरेशन है, जिसमें बहुत ही 5 या 6 सेंटीमीटर का एक छोटा सा चीरा लगता है, जिसमें चीरफाड़ बहुत ही ना के बराबर होती है। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से हम इसको करते हैं, जिसमें ब्लड लॉस और मांसपेशियों में चीरफाड़ बिल्कुल बहुत ही मिनिमल, मैं कहूँगा बहुत ही ना के बराबर इसमें रहती है। तो इसकी रिकवरी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, और मरीज नेक्स्ट डे से ही अच्छे से चलना फिरना शुरू हो जाता है, और विद इन 10 दिन या 15 दिन में वो बिना किसी सहारे के चलने लग जाता है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि इसमें जो लिगामेंट्स हैं, आपके ACL लिगामेंट, PCL लिगामेंट और कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, वो सारे के सारे इंटैक्ट रहते हैं। स्पेशली यदि मैं बात करूँ तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में इसमें हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को कट नहीं करते हैं। तो जो प्रोप्रियोसेप्शन है, एक प्रोप्रियोसेप्शन नाम की एक चीज़ होती है, जिसमें हम बॉडी को हमारे जॉइंट की फीलिंग हमें महसूस होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इंटैक्ट रहती हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जो ऑपरेशन के बाद भी घुटने में एक नेचुरल फीलिंग आती है, आपको ये एहसास नहीं होता कि आपके घुटने का कोई ऑपरेशन हुआ है या घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ है, आप एक उसको एक नेचुरल नी की तरह ही फील करते हैं, बिकॉज आपका लिगामेंट्स इंटैक्ट हैं, तो आपका प्रोप्रियोसेप्शन भी इंटैक्ट रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आप इसके रिप्लेसमेंट के बाद सारी अपनी जो रूटीन एक्टिविटी हैं, आप जो भी एक्टिविटी करना चाहें, रनिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ हद तक आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप इसमें कर सकते हैं, तो आपके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको है, तो ये एक बहुत ही कारगर ऑप्शन है और बहुत ही एक सफल उपचार है, और इससे आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो आप जी सकते हैं, और नी पेन से और या घुटने का जो दर्द है उससे निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।